एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग। सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ टीनेजर मेकअप लुक शेयर करूंगी जो कि अंडर 150 रुपीस है। एंड गाइस ये एक हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो है, सो हियर आई एम। सो यहां पर मैंने इस वाले मेकअप लुक को क्रिएट किया है जो कि अफोर्डेबल है एंड टीनेजर काफ़ी अच्छे से कैरी कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहां पर मैं गुड वाइब्स का टोनर यूज़ करूंगी, ये मलबरी टोनर है। इसकी प्राइस जो है 175 रुपीज़ है, बट आपको डिस्काउंट में ये इजिली 80 to 90 रुपीज़ का मिल जाएगा। देन मॉइस्चराइज़ के लिए यहाँ पर लैक्मी का पीच मॉइस्चराइज़र लिया है, ये जस्ट 110 रुपीज़ का ही आता है एंड बहुत ही अच्छे से आपकी स्किन को हाइड्रेट एंड मॉइस्चराइज रखता है। सो आप इसे यूज़ कर सकते हो। फॉर प्राइमर के लिए मालियो का प्राइमर लिया है, ये जस्ट 120 रुपीज़ का ही मुझे मिला था। ये एक सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है, पोर्स को अच्छे से फिल करता है एंड बहुत ही अच्छे से ब्लर आउट कर देता है। सो मैं अच्छे से टी जोन एरियाज पर लगाऊंगी। देन यहाँ पर मैं ब्लू हेवन की ये पैन स्टिक यूज़ करूँगी जो कि जस्ट 100 रुपीज़ की आती है, 100 या 110 रुपीज़ की आती है। सो मैं इसे अच्छे से पूरे फेस एंड नेक पर अप्लाई करूँगी एंड ये एक पिंक अंडरटोन पैन स्टिक है एंड मेरी जो स्किन है वो येलो अंडरटोन में है। सो ये थोड़ा सा डिफरेंट लगेगी मेरी स्किन पर, बट एट द एंड ये बहुत ही अच्छा लुक आपको मिलेगा। सो डैम्प स्पंज की हेल्प से मैं अच्छे से ब्लेंड करूँगी एंड सारे प्रोडक्ट्स के डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे विद प्राइजेस। सो ज़रूर चेक करें मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड कंसीलर के लिए भी मैं सेम पैन स्टिक को ही यूज़ करूँगी, जहाँ जहाँ मुझे नीड है वहाँ पर मैं इसे अप्लाई करूँगी एंड एक मिनी स्पंज की हेल्प से मैं इसे ब्लेंड आउट करूँगी। सो ये कंसीलर स्टिक काफ़ी अच्छी है, अफोर्डेबल भी है एंड डेली बेसिस पे भी आप इसे यूज़ कर सकते हो एंड बहुत ही क्रीमी बेस्ड है एंड अच्छे से ब्लेंड भी हो जाती है। सो मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। एंड गाइस अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर अभी तक नहीं फॉलो किया तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर ले, लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड जैसे कि आप देख सकते हो मैं इसे अच्छे से ब्लेंड आउट करूँगी। देन यहाँ पर मैंने ब्लू हेवन का लूज पाउडर लिया है जो कि जस्ट 65 रुपीज़ के ही आता है एंड क्वांटिटी आपको 18 ग्राम की मिल जाएगी। सो मैं सेम डैम्प स्पंज की हेल्प से इसे पूरे फेस पर अप्लाई करूँगी ताकि मेरा जो बेस मेकअप है वो अच्छे से सेट हो जाए। देन एक ब्रश की हेल्प से मैं पूरा बफ आउट करूँगी ताकि ये अच्छे से मेरे फेस एंड नेक पर अप्लाई हो जाए। सो मूविंग ऑन आईज, यहाँ पर मैं मिस क्लेयर की आईब्रो पेंसिल लूँगी जो कि जस्ट 65 रुपीज़ की ही आती है एंड इससे मैं अपने आईब्रोज़ को अच्छे से फिल कर लूँगी। जो मेरे नेचुरल आईब्रोज है उसी की ही शेप में मैं इसे फिल कर लूँगी जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। सो ये बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो थी गाइज, इसीलिए मैंने इसे क्रिएट किया है। आप अफोर्डेबल प्रोडक्ट के साथ भी बहुत ही अच्छा पार्टी मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हो। आप इस मेकअप को रक्षाबंधन के लिए भी यूज़ कर सकते हो एंड कोई भी बर्थडे पार्टी या कहीं पर भी आप इस मेकअप को ईजिली कैरी कर सकते हो। साथ ही ये बहुत ही अफोर्डेबल भी प्रोडक्ट्स मैंने यहाँ पर यूज़ किए हैं। सो एसएफआर के आई शेडो पैलेट लिया है जो कि जस्ट 120 या 100 रुपीज़ का ही मैंने लिया था इंस्टा पेज पे से। सो इसमें से एक ऑरेंज शेड लेकर मैं अपने क्रीज पर लगाऊंगी एंड इसे आउटर वे पर लगाते हुए अच्छे से ब्लेंड करूंगी। सो मैं थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी लूंगी एंड इसे अच्छे से ब्लेंड करूंगी। अगेन मैंने एक ब्लैक शेड लिया है जिसे मैं थोड़ा सा आउटर वे पर ही लगाऊंगी। सो यहाँ पर मैंने ये HR का ग्लिटर लाइनर लिया है जो कि जस्ट 100 रुपीज़ का ही आता है एंड उसी की टिप से मैं इस तरह से कट क्रीज जैसा ड्रॉ कर लूँगी एंड इसे कोई भी ड्रॉ कर सकते हैं, जस्ट आपको इस तरह से ड्रॉ करना है। एंड ग्लिटर्स आपके आईज पर आ गए तो आपका मेकअप जो है बहुत ही ग्लैमरस एंड पार्टी वाला बन जाता है। सो जस्ट 100 रुपीज़ का ही ये ग्लिटर है, बट आई मेकअप आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा लुक टर्न आउट होता है। सो ज़रूर ट्राई करें। एंड लैक्मी का इंस्टा आईलाइनर लिया है जो कि जस्ट 99 रुपीज़ का ही आता है एंड बिगिनर्स के लिए ट्रिक अच्छी है। अगर आपको एक विंग ड्रॉ करना है तो आप इस तरह से आईज को स्ट्रेच कर सकते हैं दूसरे हैंड से एंड आप विंग इस तरह से निकाल सकते हैं, जितनी चाहे आप विंग इस तरह से निकाल सकते हैं। सो
यहाँ पर मैंने ये NYB का काजल लिया है जो कि जस्ट 60 या 70 रुपीज़ का ही आता है। सो इसे मैं अच्छे से वाटर लाइन पर अप्लाई करूँगी। मैंने वाइट काजल यूज़ किया है, आप चाहे तो ब्लैक या फिर आपका कोई भी मनपसंद काजल यूज़ कर सकते हो। सो मस्कारा के लिए मैंने कजरारे का मस्कारा लिया है जो कि जस्ट 55 रुपीज़ का ही आता है, एंड इसे मैंने कफ्सन लैशेस से लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मेरे चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हो। देन मैंने ये सेम SFR के पैलेट में से ब्रॉन्ज़र लेकर मैं अपने फेस को थोड़ा सा स्लिम दिखाने के लिए थोड़ा सा ब्रॉन्ज करूँगी, एंड थोड़ा सा नोज़ की भी कॉन्टोरिंग करूँगी। सो ये वो मेकअप आपका पार्टी मेकअप हो जाएगा, रक्षाबंधन पे भी आप कैरी कर सकते हो। सो बहुत ही इजी है एंड साथ ही अफोर्डेबल भी है। सो ब्लश के लिए भी मैं यहाँ पर सेम ब्राउन शेड लूँगी, कोरलिश काइंड ऑफ शेड है। सो इसे मैं अच्छे से लगाऊँगी एंड ब्लेंड कर लूँगी। देन हाइलाइटर के लिए यहाँ पर मैं सेम सिल्वर स्किन कलर हाइलाइटर लूँगी सेम पैलेट में से ही। सो ये मल्टी टास्किंग पैलेट है, जस्ट 100-120 रुपीज़ का ही आते हैं, बट पिगमेंटेशन इज़ ऑसम, बहुत ही अच्छी है। सो इसे मैं अपने जहाँ जहाँ मैं अप्लाई करती हूँ हाइलाइटर वहाँ पर अच्छे से लगाऊँगी, एंड आप सटल ग्लो भी देख सकते हो। सो थोड़ी सी लाइटिंग प्रॉब्लम है, सो प्लीज़ गाइस एडजस्ट करना। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो लिपस्टिक के लिए आई एम यूजिंग ADS की प्रो मैट लिपस्टिक जो कि जस्ट 99 रुपीज़ की आती है, ब्यूटीफुल सा रेड शेड है। सो आपको पार्टी में जाना हो तो रेड शेड बहुत ही अच्छा लुक आपको टर्न आउट होता है, सो इसीलिए मैंने ये रेड शेड लिया है। सो गाइज दिस इज़ अवर फाइनल फिनिश लुक। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर हिट करें। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।